हमने सुना है कि जब 90s और 80 के दशक में अमिताभ बच्चन, धर्मेंद्र, साथ ही साथ शशि कपूर, इन तमाम लोगों की जो फिल्में आती थी, उस समय के जो लोग रहते थे, सनी देओल ने आज किसका गेटअप पहना है, अमिताभ बच्चन ने आज किस तरीके का हेयर कटिंग कराया है, इन तमाम चीज़ों को वो अपने आम जिंदगी में भी स्टाइल के तौर पे लेते थे और उसे पहनते थे और वैसे ही स्टाइल वो रखते थे। साथ ही साथ फिल्मों में दिखाए गए सीन, फिल्मों में दिखाए गए संवाद को वो अपने आम जिंदगी में भी उतारते थे। 1980s की बात छोड़ दे, अभी के समय में जो यूथ वर्ग है, अगर कोई फिल्म आ रही है, विद्युत जमाल की फिल्म आ रही हो या फिर अजय देवगन की फिल्म आ रही हो, तो उन चीज़ों को अभी के जनरेशन के लड़के भी यूटिलाइज करते हैं। एक फिल्म आई थी शादी में जरूर आना, इस फिल्म को ये कहना गलत नहीं होगा कि आप सब ने उस फिल्म को नहीं देखी होगी। जो भी लड़का यूपीएससी बीपीएससी की तैयारी करता है, जो भी कैंडिडेट, जो भी छात्र इसकी तैयारी करते हैं, वो इस फिल्म को ज़रूर देखे होंगे। इस फिल्म में दिखाया गया है कि कैसे एक लड़की ने एक एक्टर का जो है वो दिल तोड़ती है और फिर वो सीधे यूपीएससी क्वालिफाई करता है और फिर होता है खेला। वैसे भी कहावत है कि बिहार के लड़कों का जब दिल टूटता है ना, तो वो सीधे यूपीएससी क्वालिफाई करते हैं। ऐसा ही कुछ खेला हो गया है बिहार के एक शख्स के साथ। बिहार के रहने वाले एक लड़के के पिता को एक पुलिस वाले ने जब थप्पड़ मारा, तो उसने ठान लिया कि जज बनकर हम इसका जवाब देंगे। जी हाँ, बिहार की ही ये घटना है। हम आपको बताएंगे पूरी खबर विस्तार से कि सहरसा की ये पूरी घटना है जहाँ पर ये पूरा माजरा हुआ है। यूपी के मशहूर आईपीएस नवनीत सकेरा से इनकी कहानी बिल्कुल मिलती जुलती है, जिनके पिता के अपमान की वजह से उन्होंने यूपीएससी पास कर आईपीएस का रैंक चुना है। बिहार के कमलेश इनका नाम है और इन्होंने जो है नवनीत सकेरा से दो कदम आगे हो गए हैं। बिहार में सहरसा ज़िले के निवासी कमलेश ने बिहार की जुडिशरी के इम्तहान में 64वीं रैंक हासिल की है। कमलेश बेहद ही गरीब परिवार से ताल्लुकात रखते हैं। उनके पिता ने उन्हें पढ़ने के लिए कूली मजदूर से काम से लेकर ठेला तक लगाया। इस दौरान एक पुलिस वाले ने कमलेश के पिता को थप्पड़ जड़ दिया। ये बात कमलेश के सीने में अंदर तक चुभ गई। कमलेश ने इसका जवाब जज बनकर दिया। कमलेश का परिवार बेहद ही गरीब था। घर की हालत सुधारने के लिए पिता काम की तलाश में परिवार के साथ राजधानी दिल्ली आ गए। सर पर छत नहीं थी तो उन्होंने झुग्गी को अपना आशियाना बनाया, लेकिन यहाँ भी बदकिस्मती ने उनका पीछा नहीं छोड़ा। दिल्ली नगर निगम ने आशियाना तोड़ दिया और झुग्गी झोपड़ियों को हटा दिया। इसके बाद कमलेश के पिता परिवार समेत ट्रांस यमुना में घर में किराए में रहने लगे। ये वक्त था जब कमलेश 10वीं पास कर चुके थे। कमलेश के पिता ने घर चलाने के लिए चांदनी चौक पर खाने का ठेला लगाना शुरू किया। उसी वक्त एक पुलिस वाला वहां आया और उसने ठेला हटाने को कहा। इसके बाद पुलिस वाले ने कमलेश के पिता को थप्पड़ मार दिया और उनकी दुकान बंद करा दी। इसी घटना ने कमलेश के जीवन को बदल दिया। घर में थप्पड़ की बात चलते हैं पिता ने कहा कि पुलिस को सिर्फ जज डरा सकता है। ये बात कमलेश के मन में घर कर गई। कमलेश ने इसके बाद दिल्ली विश्वविद्यालय में कानून की पढ़ाई शुरू की, लेकिन ये भी तय कर लिया कि उन्हें वकील नहीं जज बनना है। कमलेश ने जो लक्ष्य तय किया था उनकी तरफ वो बेहद खामोशी से बढ़ते रहे। आखिर में साल 2017 में उन्होंने बिहार के जुडिशरी के इम्तिहान की तैयारी शुरू की। पहली बार में वो नाकाम हुए, लेकिन हिम्मत नहीं हारी। कोरोना काल में भी उनका समय जाया हुआ, लेकिन इस साल 2022 में उन्होंने वो कर दिखाया जिसका सपना देखा था। कमलेश अब जज बन चुके हैं और अपने जैसे युवकों के लिए जो है एक अलग पहचान बन रहे हैं। तो हमने शुरू में ही कहा था कि बॉलीवुड की फिल्मों को बिहार के लोग बड़े ही सीरियसली लेते हैं, बड़े इगोइस्टिक होते हैं। अगर कोई बात उनके दिल में घर कर जाती है तो उसको मुकाम तक ज़रूर पहुंचा देते हैं। ऐसा ही कमलेश ने कर दिखाया है। उनके पिता को एक पुलिस वाले ने थप्पड़ मार दिया था, जिसके जवाब में उन्होंने जज बनकर वो चीज़ें सामने लाई हैं। तो आपको ये हमारा स्टोरी कैसा लगा, कमलेश की स्टोरी कैसी लगी, हमें ज़रूर बताइएगा। जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।